जय भवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। टीचर्स में दिख रही सभी खबरों पर चर्चा की जाएगी। जो खबर आपको पहले बताई गई थी आज के समाचार पत्रों में, आपको वो खबर दिख रही होगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर की बात की जा रही है, उसके बारे में कुछ अपडेट है, उसके भी आपको मुखातिब किया जाएगा आज की बड़ी खबर में। साथ ही साथ आपके प्रश्नों को भी शामिल किया गया है और लोअर की भर्ती पेट 23 से आएगी, कब तक आएगी इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और कौन सा रिजल्ट इस हफ्ते यूपीटी पीएससी जारी करने जा रहा है। साथ ही साथ LTGIC विज्ञप्ति को लेकर बड़ी अपडेट है, उसकी भी चर्चा की जाएगी वीडियो में। तो चैनल पर पहले भी जुट गए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। संस्कृत में एक श्लोक है, काफ़ी चर्चित श्लोक है, सभी को पता होगा। कहा गया है, एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगास्तरन्ति। अर्थात जिस मनुष्य ने किसी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया, न ही उसने व्रत और तप किया और थोड़ा बहुत अन्न वस्त्र धन या विद्या दान नहीं दिया, न उसमें किसी प्रकार का ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसा मनुष्य सिर्फ धरती पर भार होता है और मनुष्य रूप में होते हुए भी वो पशु के समान जीवन व्यतीत करता है। इसलिए विद्या को दान देना चाहिए, अन्न वस्त्र भी दान देना चाहिए। इस प्रकार के श्लोक जो संस्कृत में कहे गए हैं, इसको जहन में उतारिए। इसलिए रोज की तरह सुविचार को जरूर सुना करिए। अब देख लेते हैं आगामी परीक्षा के अनुसार करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यदि आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, नहीं तो फिर इसको यहीं पर रोक दिया जाएगा। अब करंट अफेयर से अच्छा नहीं की जाएगी, क्योंकि इसको नोट डाउन करेंगे हैं कि नहीं करते ये तो आप लोग जानते होंगे। वैसे जो इंपॉर्टेंट होता है उसकी बात की जाती है। जान लेते हैं आज की करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है आगामी परीक्षा के अनुसार। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक जो हाल ही में बने हैं उनका नाम जान लीजिए, सिद्धार्थ अग्रवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो है ऊंची कूद में पदक जीता है किसने, तो याद रखिएगा शरद कुमार ने। कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है आगामी परीक्षा में, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में जो नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है, यूपी स्पेशल के तौर पे पूछा जा सकता है, तो बबीता चौहान को जो है नियुक्त किया गया है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा, जिसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। अब चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों में दी गई खबरों से। स्नातक में प्रवेश के लिए नए कट ऑफ जारी, बात हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार को बीए में प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी हुआ। प्रवेश कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर राम मनोहर यादव की सूचना के अनुसार बीए अनारक्षित वर्ग के 531 या इससे अधिक और एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थी 8 से 9 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। एमबीए के लिए नया कट ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमबीए के प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी हुआ है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 233 अंक और एससी अंक के लिए 189, एसटी के लिए 162 अंक, इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी 8 सितंबर से पंजीकरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है, निजी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की नहीं बढ़ेगी फीस, बीते शैक्षिक सत्र में निर्धारित शुल्क ही इस बार भी लगेंगे। बात हो रही प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों की फीस शैक्षिक सत्र 2024-25 में नहीं बढ़ेगी। प्रावधिक शिक्षा विभाग ने बीते शैक्षिक सत्र वर्ष 2023-24 में निर्धारित किए गए शुल्क को ही इस सत्र में लागू करने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से इस वर्ष शुल्क में कोई भी बढ़ोतरी न किए जाने का आदेश जो वो भी जारी कर दिया गया। ऐसे में बीटेक, बीफार्मा, डिप्लोमा, एमटेक, एमबीए व एमसीए सहित विभिन्न कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा से स्टाफ नर्स भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा आज होगी और इसमें 24 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके तहत दो परीक्षाएं होंगी जिनमें स्टाफ नर्स आयुर्वेद और प्रारंभिक परीक्षा 2023 और स्टाफ नर्स यूनानी प्रारंभिक परीक्षा 2023 शामिल है। दोनों परीक्षाओं के लिए कुल 11,496 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला पुरुष प्रारंभिक परीक्षा 2023 पहली पाली में लखनऊ के 20 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। 180 पदों के लिए 9,387 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला के 162 पदों पर भी ये परीक्षाएं आज के ही डेट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा रहा है, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करते हुए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, नए आयोग की परीक्षा में भी सीधे कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है स्टेट में परीक्षाओं को लेकर के, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नकल करके एस जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, तो फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा जब परीक्षाएँ करा रहा है तो फिर इसमें अगर वक्त खाया जाए यानी कि ज़ाया किया जाएगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, तो प्रतियोगी छात्रों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाएगा। आपको स्पष्ट बता दें, क्योंकि अब यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट ऐसे उठेंगे जिसको लेकर के, जो क्योंकि आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि परीक्षा नियंत्रक इस महीने में एटलीस्ट आपको 20-21 तारीख तक देखने को मिल जाएंगे, तो परीक्षा नियंत्रक भी जल्द आ जाएंगे। बाकी बात जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं उसको भी
विद इन 7 डेज के अंदर या 15 डेज के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। अब रही बात इसमें परीक्षा के चयन को लेकर, यानी जो एजेंसी परीक्षा कराएगी इसको लेकर के एक मीटिंग होगी, उसके बाद जो है फिर इसमें एक निकाला जाएगा, फिर उसके बाद आएंगे उसमें, फिर सामांतरण की प्रक्रिया को 1 से 1.5 महीने का वक्त इसमें भी लग सकता है। तो परीक्षाओं को लेकर के जो है शासन से अनुमति को लेकर के ये है कि जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन करा के नई विज्ञप्ति जारी की जाए, क्योंकि डीएलएड की परीक्षा जो प्रतियोगी छात्र उनके द्वारा जो मांग की गई है, यूपी टेट की विज्ञप्ति आएगी, इसके बाद ही जो है सुपर टेट की प्रक्रिया वगैरह जो होगी वो अगले वर्ष होगी। अभी फिलहाल की जानकारी में यही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से परीक्षाओं को लेकर के तमाम तरह की कोशिशें तेजी के साथ की जा रही हैं कि परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द किया जा सके। उसी व्यवस्था के अंतर्गत जो है अगले हफ्ते तक परीक्षा नियंत्रक के आ जाने के बाद, जैसा कि खबरों में लेकिन आपको बताया 20-21 तक एटलीस्ट उसके पहले आ जाएंगे परीक्षा नियंत्रक, उसके बाद परीक्षाओं को लेकर के जो टाइम टेबल जारी होना है नई विज्ञप्ति को लेकर उसको भी अमलीजामा पहना दिया जाएगा 15 तारीख तक, तो भी स्पष्ट हो जाएगा कि कब क्या होने को है। उसी तरह की व्यवस्था नई शिक्षा से पूरी खबर जो है लबुलवा भी यही है जो आपको भी बताया गया है। इसमें जो है प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह को लेकर के है इसमें भी सावधानी बरती जाएगी, क्योंकि किसी प्रकार से भी इसमें कहीं से कोई ऐसी चीज़ ना हो कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे ही शुरू हो उस पे दाग लग जाए, इसलिए खूब के कदम जो है आयोग के अध्यक्ष और शासन की तरफ से लिया जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन समय जो है आयोग के पास वो सितंबर माह तक का, क्योंकि आगे के वर्षों में जो है फरवरी मार्च का जो डिवीजन चलता है उसमें बोर्ड की परीक्षाएं, उसके बाद कुंभ के आयोजन को लेकर के परीक्षा करा पाना कठिन हो सकता है। इसलिए परीक्षाओं को लेकर के जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही निर्णय लेगा, जिसकी सूचना आपको जो है टाइम टेबल में दे दी जाएगी। बाकी की अपडेट आपको चैनल पे सबसे पहले दे दी जाएगी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे क्या कुछ नया होने को है, पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं यूपी ट्रिपलएससी में क्या कुछ चल रहा है और अगले हफ्ते क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। परिणामों का दौर शुरू होगा, परिणाम 1 से 2 आपको देखने को मिले। सबसे पहले का परिणाम जो वीडियो को, जैसा कि ट्यूजडे आपको बताया गया है, तो एटलीस्ट ट्यूजडे तक वो परिणाम देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना है। यूपी ट्रिपलएससी से कार्य तेजी के साथ हो रहे रिजल्ट को लेकर के, बाकी कुछ अधियासन को लेकर के प्रक्रियाएं प्रोसेस में, वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो पेट 23 से 101% आपको जो है लोअर की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपलएससी से। कहीं से कोई भी शंका मत रखिएगा, पेट 23 से ही विज्ञापन लोअर का जारी होने जा रहा है यूपी ट्रिपलएससी से, और इसको लेकर के थोड़ा सा इंतजार करें और स्थिति स्पष्ट कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जाने कि पेट 23 से ही लोअर का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। बाकी एएसओ वगैरह की विज्ञप्ति को लेकर के थोड़ा सा अभी इशू है, वो जैसे सॉर्ट आउट हो जाए उसके बारे में भी फिर अपडेट आपको दे देंगे। उसकी भी विज्ञप्ति आने को है 1500 से 2000 पदों को लेकर के। अब बात कर लेते हैं पेट 24 कब तक आ सकता है, तो पेट 24 जो है वो अक्टूबर लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक तक जो है उसका भी विज्ञापन जारी हो सकता है यूपी ट्रिपलएससी से। ये सब प्रक्रियाएँ थोड़ी सी लेट हो सकती हैं अध्यक्ष के न आने की वजह से, बाकी सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस में है। जब तक कार्यवाहक अध्यक्ष हैं इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो शायद प्रतियोगी छात्रों को कुछ हद तक तेज़ी दिखाई दे रही होगी। इसी तरह से पेट को लेकर के जो 24 है इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इंतजार करिए, जो भी अपडेट होगी वो अब आपको बता दिया जाएगा। टेंटेटिव अभी मान के चले कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर के सेकंड वीक के पहले जो भी विज्ञप्ति पेट 24 की जारी हो सकती है यूपी ट्रिपलएससी से। बात कर लेते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग CLTGIC विज्ञप्ति को लेकर, 24 से 25 सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसके समय तक विज्ञप्ति के लिए कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, संभावना यह है कि विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि आज के बाद से 10 से 15 दिन का और आपको इंतजार करना पड़ सकता है इस विज्ञापन को देखने में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होने को है, ये विज्ञापन भी जल्द ही देखने को मिलेगा। बाकी इसमें और कुछ अपडेट होती है लेटेस्ट में तो वो भी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। चैनल पर पहली विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्रतियोगी छात्रों के लिए कोई भी खबर छोटी होगी या बड़ी होगी आपके लिए पहले वो वीडियो अपलोड की जाती है, चाहे वो खबरें किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन प्रतियोगी छात्र की बात सबसे आगे होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती या परीक्षा हो। इसलिए कोई भी अगर आपका क्वेश्चन बनता है जो कि इससे संबंधित हो, परीक्षाओं और रिजल्ट के संबंधित हो, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।